आज ना मैं आपके साथ बहुत ही डिलिशियस मथुरा वाले डुबकी वाले आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और उसके साथ ना बहुत ही टेस्टी लगती है ये बेड़मी पूड़ी की रेसिपी। मतलब इतनी इजी और यमी रेसिपी ये डिश बनने वाली है ना। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ अराउंड 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें ऐड कर दिया अजवाइन। साथ में थोड़े पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे जैसे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून जितना घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है सो दैट जो घी है ना वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसे आप मुट्ठी बनाए ना तो ये बनना चाहिए ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही आटा चाहिए हमें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सेमी सॉफ्ट डो रेडी करना है हमें। रोटी से थोड़ा सा हार्ड और पूड़ी से थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो डो हमारा रेडी हो गया है। मैं दिखाती हूँ ये कैसा है इसका टेक्स्चर। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ऐसा ही आटा हमें चाहिए। और अब मैं इसे कवर करके ना साइड में रख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने ऊपर ऑयल लगा लिया है सो दैट आटा सूखे नहीं। इसे कवर करके साइड में रखते हैं। और अब पूड़ियों के लिए ना जो स्टफिंग बनती है वो बना लेते हैं। मैंने 1/4 कप के अराउंड दाल ली है, उड़द दाल है ये, जैसे आप देख रहे हैं कौन सी है। और इसको मैंने टॉवल की हेल्प से ना अच्छे से पोंछ लिया था। हमें इसे धोना नहीं है, इसीलिए जो भी मिट्टी वगैरह होगी ना उसे आप पोंछ के अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और अब हमें इसे लो फ्लेम पे अच्छे से भुनना है जब तक इसका कलर थोड़ा डार्क नहीं हो जाता, गोल्डन कलर का नहीं हो जाता, कुछ ऐसा। ये देखिए अच्छे से ये हमारा जो दाल है वो भुन चुकी है। अब हमें इसे ठंडा करके दरदरा सा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा पीस लेना है। दाल ठंडी हो रही है, हम सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी के लिए सबसे पहले हमें एक ब्लेंडर चाहिए, उसमें डाल दिया है मैंने पालक और साथ में हरा धनिया। पालक बस 1 मुट्ठी जितनी होगी और हरा धनिया, हरी मिर्चें, साथ में थोड़ी सी जिंजर डाली है, कुछ खड़े मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट रेडी कर लेना है। तो ये हमारी सब्ज़ी का ना बेस होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म किया है, इसमें ज़ीरा और सौंफ डाल दिया है। क्रैकल होने के बाद हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है। इसके साथ साथ में मैंने डाल दिया है इसमें हींग, जो बहुत बढ़िया टेस्ट लेके आता है, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालिएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अपना पालक वाला पेस्ट जो हमने प्रिपेयर किया था। और इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाता, ये ऐसे ही बहुत बढ़िया लगती है सब्ज़ी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये डुबकी वाले आलू। और अब हमें इसे कुक करना है जब तक इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता, ये सारा मिक्सचर थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। तो मैं इसे कवर करके कुक कर रही हूँ। अराउंड 4 to 5 मिनट्स में ये अच्छे से कुक हो गया। ये देखिए मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो गया है, ऑयल भी साइड्स में दिखने लगा है। इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 4 बॉइल्ड आलू लिए और इसको हाथों से तोड़ के इसमें ऐड कर दिया है। कट मत करिएगा, इसे तोड़ तोड़ के ही डालिएगा। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद अराउंड 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके इसे फिर से कुक होने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। 7 से 8 मिनट बाद इसमें नमक ऐड करेंगे, थोड़ा आमचूर पाउडर, चाट मसाला और बस हमारी डिलिशियस सब्ज़ी बनके रेडी है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करिए, 1 मिनट इसे और पका लीजिए। और इसके बाद हम इसमें देंगे सेकंड तड़का, जिसके लिए घी गरम किया है मैंने। इसमें डाल दिया है ज़ीरा, सूखी लाल मिर्चें, खूब सारी हींग, साथ में कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके तुरंत सब्ज़ी के ऊपर डाल देंगे और बहुत ही डिलिशियस मथुरा वाले डुबकी आलू हमारे बनके तैयार हैं। तो सब्ज़ी साइड में रखते हैं और अपनी पूरियों के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। ऑयल में मैंने ज़ीरा और सौंफ सेम तड़का दिया है। इसे अच्छे से क्रैकल होने के बाद इसमें फिर से पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक और साथ में हींग। हींग ज़रूरी है क्योंकि उड़द की दाल है तो हींग डाइजेशन में बहुत अच्छी हेल्प करेगी। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करिए ऑयल में, 10 सेकेंड्स के लिए कुक करिए मसालों को और इसमें ऐड कर दीजिए अपनी पीसी हुई दाल। दाल जैसा मैंने कहा था थोड़ी दरदरी पीसी हुई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 3 से 4 मिनट हमें अच्छे से भुनना है ताकि मसाले दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और ये देखिए इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है एकदम। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो अराउंड 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड किया था और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। थोड़ा क्या मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, कुछ ऐसा। ये देखिए और हमारा फिलिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसे थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और फिलिंग थोड़ी ठंडी होने के बाद इसकी छोटी छोटी सी ना बॉल्स बना लेंगे। इन बॉल्स को हमें अपने डो में स्टफ़ करना है। तो बॉल्स बना के रखने से जो स्टफिंग है वो ईजी हो जाती है। बहुत ज़्यादा बड़ी बॉल्स मत बनाइएगा, थोड़ी छोटी छोटी ही हमें ऐसे बॉल्स बनानी है और एक एक बॉल्स बना के हम साइड में रखते जाएंगे। और मैंने सारी बॉल्स ये देखिए ऐसे प्रिपेयर कर ली है। अब यहाँ पे अपना जो डो है वो अच्छे से रेस्ट हो गया है, इसको एक बार और नीट करेंगे और इसकी पूरी से थोड़ी सी बड़ी साइज़ की लोइयाँ काट लेंगे कुछ ऐसी। इसके बाद इसे हाथों में अच्छे से रोल करिए और जैसे हम इसमें स्टफिंग के लिए कटोरी जैसी शेप देते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही इसको शेप देनी है। और इसके बाद जो हमने दाल वाली रोल्स या बॉल्स बनाए थे उसको बीच में रखना है, आटे को ऊपर लाते हुए ऐसे प्लीट्स बनानी है। सब सारे आटों को हर तरफ से इकट्ठा करना है एक साथ, ये देखिए ऐसे। और इसके बाद इसको ऊपर अच्छे से सील कर देंगे और इसको हाथों में एक बार रोल करिए और इसे बेल लेंगे। तो ये पूड़ियाँ ना बहुत इजीली बन जाती हैं, बिल्कुल भी फटने का डर नहीं रहता। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको डो बहुत टाइट नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। और थोड़ा ऑयल लगा के मैंने इसे हल्के हाथों से बेल लिया है। बेलना इतना है कि दाल थोड़ी थोड़ी सी ना दिखने लगे आटे के अंदर से, लेकिन बिल्कुल बाहर ही ना आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए दाल कैसे आपको अंदर दिख रही होगी, बस ऐसा ही चाहिए हमें डो या पूड़ी मतलब, और थोड़ी पतली चाहिए देखिए ऐसी। इसके बाद इसे बिल्कुल हॉट ऑयल में, गरम तेल में हमें फ्राई कर लेना है, जैसे हम नॉर्मली पूड़ियों को फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही। एक तरफ से सिकने के बाद ये देखिए बहुत अच्छी फूल गई है हमारी पूड़ी, और इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे इसे। और हमारी डिलिशियस बेड़मी पूड़ी बनके भी तैयार है, सब्ज़ी भी रेडी है, पूरी भी रेडी है। और ये पूड़ियाँ ना बहुत टेस्टी लगती है, स्पेशली इस सब्ज़ी के साथ। वैसे तो ये किसी भी आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत बढ़िया लगती है, बट इसके साथ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे कहने पे ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। और फेस्टिवल आ रहा है तो आप इसे फेस्टिवल पे भी बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। हम फिर मिलेंगे, बाय।